साथ शेयर करने वाली हूँ। ये होने वाला है बहुत ही प्यारी सी कुर्ती का हॉल वीडियो, बहुत प्यारा कलेक्शन है और ये सभी मैंने मिंत्रा से लिया है क्योंकि गाइस है ना तीज आने वाली है और रक्षाबंधन भी आने वाली है, तो क्यों ना मैंने सोचा आपके साथ कुछ लहरिया प्रिंट में और कुछ पार्टीवेयर कुर्ती का कलेक्शन मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा एंड इन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप इन्हें बाय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हॉल वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्यारी सी ग्रीन कलर की कुर्ती से एंड ये बहुत अच्छी सिल्क में कुर्ती है और ना ये सभी जो ब्रांड मैंने परचेज किया ना मोस्टली लिबास से है क्योंकि लिबास का कलेक्शन है ना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है, इसलिए तो ये ना एक लहरिया मतलब प्रिंट में कुर्ती है, तो तीज वगैरह पे और अभी रक्षाबंधन पे आप इसे स्टाइल कर सकते हो, लहरिया बहुत अच्छा लगता है। और ये ना इस तरीके का ग्रीन कलर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कैमरे में थोड़ा सा कलर फ्लैक्चुएट हो रहा हो, बाकी इसका कलर बहुत अच्छा है। मैं साइड में आपको पिक्चर डाल दूंगी, एज इट इज जैसा पिक्चर में दिया है ना वैसा है, थोड़ा सा लाइटर शो हो रहा है इसमें, लेकिन ये आपको अच्छा डार्क कलर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं नेक की बात करती हूँ तो इसमें आपको राउंड नेक देखने को मिल जाएगी और ये जो आप वर्क देख रहे हो ना नेक पे, ये प्रॉपर जरी वर्क किया हुआ है, साथ में बीच बीच में सिक्वेंस लगाए हुए हैं। इसमें आपको 3/4 स्लीव्स देखने को मिल जाएगी, स्लीव्स पे भी सेम पैटर्न इसमें दिया हुआ है, लेस लगाई हुई है और ये बहुत ही अच्छी सी सिल्क में कुर्ती है, स्ट्रेट पैटर्न में है। अगर आपके पास कोई भी चीकू कलर या बेज कलर की पैंट हो सिल्क में, उसके साथ आप इसे स्टाइल कर सकते हो, बहुत अच्छा लुक आएगा। साथ में चाहो तो गोल्डन दुपट्टा है, कॉपर दुपट्टा आपके पास कोई भी हो उसके साथ आप इसे पेयर अप कर सकते हो, पिंक दुपट्टे के साथ भी बहुत अच्छे से जाएगा। मे बी शायद ना इसमें वो कलर ऑप्शन मिल जाए, आप अपने अकॉर्डिंग देख के बाय कर लेना। और मैंने जो साइज परचेस किया है वो मीडियम किया है, सभी में आपको सभी में सारे साइज मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग साइज देख के बाय कर सकते हैं। तो ये है जो फर्स्ट कुर्ती मैं आपको सजेस्ट करूंगी। तो गाइस नेक्स्ट कुर्ती को शेयर करने से पहले आज मुझे आपके साथ शेयर करना था जो कि मामाअर्थ का न्यूली फाउंडेशन है उसका रिव्यू, साथ में प्राइमर का जो अभी न्यूली है मामाअर्थ का। एंड गाइस मुझे मामाअर्थ के प्रोडक्ट पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि आप देखो मैं काफी लंबे टाइम से मामाअर्थ के प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ क्योंकि है ना मैंने देखा है कि ये अपनी क्वालिटी में टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते रहता है। जैसे अगर आप मामाअर्थ की कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो और उसका फीडबैक इनके साथ शेयर करते हो तो ये अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग, साथ में उसमें सर्च भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो इनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी आती है। और ये एक नेचुरल ब्रांड है मामाअर्थ, मैं काफी लंबे टाइम से यूज कर रही हूँ, बिल्कुल भी स्किन पे हार्श नहीं पड़ता है। साथ में मामाअर्थ की जो प्रोडक्ट है ना वो आपको Amazon पे, नायका पे, फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएंगे, इनकी वेबसाइट और ऐप पे मिल जाएंगे, तो आप वहां से इन्हें बाय कर सकते हो। साथ में आपको इनके बेबी प्रोडक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। और हाँ गाइस मामाअर्थ के ने ना अपना ऑफलाइन स्टोर्स भी ओपन किए हैं, तो आप देखना अपने आसपास कोई मामाअर्थ का स्टोर है क्या, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप वहां से परचेज करते हैं या नहीं। साथ में मामाअर्थ पे अगर आप शॉपिंग करते हो तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो जो कि मैं स्क्रीन पर डाल देती हूँ यहाँ पे। इससे अगर आप यूज करते हो मामाअर्थ की वेबसाइट और ऐप पे तो आपको एक्स्ट्रा 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेक श्योर जब भी अगर आप मामाअर्थ से शॉपिंग कर रहे हो तो मेरा कूपन कोड जरूर से अप्लाई कर लेना, और मैं कूपन कोड है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। गाइस सबसे पहले तो मैंने बहुत सारे फाउंडेशन आज तक यूज किए हैं, बहुत सारे ब्रांड के, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है ना वो फुल कवरेज की आती है। साथ में ना अगर थोड़ी सी भी स्वेटिंग होती है तो वो बिल्कुल ना ऐसे पैच हो जाता है, साथ में जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं फाउंडेशन। तो काफी टाइम से ना मैं एक ऐसा फाउंडेशन सर्च कर रही थी जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, साथ में जो बहुत ही अच्छी सा जो स्किन मिलती है ना फाउंडेशन लगाने के बाद जो फ्लोनेस मिलती है वो मिले। तो फाइनली है ना जो मामाअर्थ ने अभी न्यूली लॉन्च फाउंडेशन ये लॉन्च किया है, ये है मामाअर्थ का हाइड्रा ग्लो फुल कवरेज फाउंडेशन विद विटामिन सी एंड टर्मरिक। इसमें आपको SPF 35 देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके की पैकेजिंग आती है। इसमें मामाअर्थ ने 6 शेड्स अभी लॉन्च किए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख के बाय कर सकते हो, आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो भी शेड आपको जाता हो। तो मुझे काफी पसंद आया है ये वाला फाउंडेशन, पैकेजिंग आप देखोगे ना बहुत ही अच्छी। आपको इसमें पम्प बोतल देखने को मिल जाती है जो कि इस तरीके की पम्प बोतल है। एंड इस फाउंडेशन में आपको मिल जाता है हाइड्रेटिंग फॉर्मूला विद फुल कवरेज प्रोवाइडिंग 3x इंस्टेंट ग्लो। साथ में ना इसमें आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको मिल जाता है टर्मरिक एंड विटामिन C, और जिससे ना आपको इसमें जो ग्लो है वो 3 गुना देखने को मिलेगा। 12 आवर्स से हाइड्रेटिंग स्टे रहेगा, यानी कि है ना इसमें आपको ना हाइलुरोनिक एसिड देखने को मिल जाता है, जिस वजह से है ना ये 12 घंटे तक एज इट इज रहता है। साथ में आपको इसमें मिल जाती है विटामिन सी एंड टर्मरिक, और ये टॉक्सिन फ्री है, सेफ है, ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। फाउंडेशन में आपको SPF 35 देखने को मिल जाता है, जो सन से आपको प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को। साथ में ये स्वेट रेजिस्टेंट है, वाटर रेजिस्टेंट है, यानी कि आपकी स्किन पे अगर स्वेटिंग भी होती है ना तो ये फाउंडेशन बिल्कुल भी हटता नहीं है, एज इट इज रहता है। साथ में इंडिया फर्स्ट सेफ सर्टिफाइड फुल कवरेज फाउंडेशन है, तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। और हाँ गाइस, फाउंडेशन लगाने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइमर यूज करें। तो मुझे मिला है मामाअर्थ का ग्लो फॉर ब्लरिंग प्राइमर विद विटामिन सी एंड जो टर्मरिक है। इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं ना, बहुत ही प्यारी सी आपको इसमें ट्यूब देखने को मिल जाती है, और ये है ना ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। साथ में आपको इसमें मिल जाता है विटामिन सी। तो गाइस ये वाला जो प्राइमर है इसमें टर्मरिक देखने को मिल जाएगा, जो आपकी स्किन को ब्राइट करता है। साथ में विटामिन सी है जिससे नेचुरल ग्लो ऐड होता है। साथ में ये लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है, आपके पोर्स जितने भी है उनको ब्लर कर देता है और आपकी जो पोर्स है उनको हाइड कर देगा, जिससे अगर आप जब भी फाउंडेशन अप्लाई करोगे ना इसके बाद तो बहुत ही अच्छे से फाउंडेशन अप्लाई होगा। साथ में आपकी स्किन के अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा, जिससे आपको बिल्कुल भी आपकी स्किन को हार्म नहीं होगा। साथ में इसमें विटामिन सी और टर्मरिक है जिससे नेचुरल ग्लो ऐड होता है। तो मुझे ये जो है प्राइमर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। काफी टाइम से मैं बहुत सारे प्राइमर यूज कर रही थी और ये बहुत ही अच्छा लाइट वेट प्राइमर है, नॉन ग्रीसी है, चिपचिपा बिल्कुल फील नहीं होता, ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और सबसे अच्छी बात है ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होने देता। फाउंडेशन लगाने के बाद भी आपकी स्किन है जो बिल्कुल हाइड्रेट रहती है, 12 घंटे तक बिल्कुल भी पैच नहीं आते हैं। साथ में जो कैकीनेस होती है वो नहीं आती है, बिल्कुल एज इट इज फ्लोनेस आपको स्किन देखने को मिल जाएगी, फ्लोलेस। तो मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया है ये वाला फाउंडेशन। आप अपने अकॉर्डिंग स्किन टोन देख के बाय कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और साथ में बिल्कुल नेचुरल फाउंडेशन है, तो आपकी स्किन को बिल्कुल भी हार्श नहीं करेगा। और जो मैंने इसमें शेड यूज किया है ना वो है मेरा 03 न्यूड ग्लो, जो कि मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग परफेक्ट जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग स्किन टोन के अकॉर्डिंग देख के यूज कर सकते हो, जो भी शेड आपको जा रहा हो। तो आप देखो जब मैंने फाउंडेशन को लगाया है, आप पहले वाले रिजल्ट देखो और आफ्टर रिजल्ट देखो, बहुत ही अच्छे से ये ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इजिली ब्लेंड हो जाता है। साथ में लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो गाइस जितने भी फाउंडेशन मैंने शेयर किए ना, मतलब जो भी फाउंडेशन में शेड्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। साथ में सभी के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और कूपन कोड यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना, और आप मुझे कमेंट करके बताना यूज करने के बाद आपको कैसा लगा। अब जो नेक्स्ट कुर्ती मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये बहुत ही अच्छा बेज कलर है। मुझे है ना ये कलर बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली अगर कोई पार्टी हो या फिर कोई भी फंक्शन हो ना, ये कलर बहुत अच्छा लगता है और काफी ज्यादा रॉयल लुक देता है। तो ये ना एक बेज कलर में कुर्ती है फ्रॉम दी ब्रांड लिबास, और इसका जब आप फ्रंट देखोगे ना, लुक एट दिस, ये बहुत ही प्यारा सिक्वेंस और जरी का बहुत प्यारा सा इसमें वर्क किया हुआ है। मैं आपको पास से बताती हूँ, बहुत प्यारा वर्क है। साथ में ना बहुत ही ज्यादा सुंदर और स्टाइलिश लग रही है ये वाली कुर्ती। इसमें आपको 3/4 स्लीव्स देखने को मिल जाएगी। स्लीव्स पे भी आप देखो सेम वर्क है, और ये पूरी कुर्ती प्लेन नहीं है। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको गोल्डन कलर के है ना इसमें थ्रेड वाली जो लाइन होती है ना वो चलती हुई दिख जाएगी, और बीच बीच में इस तरीके का प्रिंट भी किया हुआ है जो की शाइन कर रहा है। तो ओवरऑल कुर्ती है ना, एक पार्टी वेयर कुर्ती है ये, जिससे आप है ना अभी रक्षाबंधन या तीज पे स्टाइल कर सकते हो, या फिर अगर आपके घर में कोई और फंक्शन है तो उसमें भी आप इसे स्टाइल कर सकते हो। ये इस तरीके की स्ट्रेट पैटर्न में कुर्ती है। अंदर की साइड अगर आप देखोगे ना, प्रॉपर इसमें सेट की लाइनिंग अटैच करके दी हुई है, और ये बहुत प्यारी एंड कंफर्टेबल कुर्ती है। एक बार फुल लुक साइड में देखना। इसमें भी मैंने मीडियम साइज परचेज किया है, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेज कर सकते हो, जो भी आपको लेना हो। बहुत प्यारा लुक आएगा। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है। जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक मरून कलर में कुर्ती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि दी आप रेड और मरून कलर में कुर्ती बताओ। तो ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ मरून कलर में कुर्ती। मरून काइंड ऑफ आप बोल सकते हो चेरिश कलर है, और इसमें ना प्रॉपर आपको वो ही नेकलाइन पे जरी एंड सिक्वेंस का काम देखने को मिल जाएगा, इस तरीके का। फैब्रिक की मैं बात करती हूँ तो ये सिल्क फैब्रिक में ही है, चंदेरी सिल्क फैब्रिक है इसका। अंदर की साइड प्रॉपर लाइनिंग है, ये भी लिबास से ही है, और मैंने मीडियम साइज इसमें पिक किया है। इसमें भी आपको 3-4 स्लीव्स देखने को मिल जाएगी। प्रॉपर है ना, ये एक पार्टी वेयर कुर्ती है जिसे आप कोई भी फेस्टिवल में, अपकमिंग फेस्टिवल में स्टाइल कर सकते हो। अगर आपको मरून और रेड कलर में कोई कुर्ती बाय करनी है, कुर्ता सेट लेना है, और इससे ना आप कॉपर और गोल्डन कलर की पैंट, सिगरेट पैंट के साथ स्टाइल कर लो। साथ में गोल्डन दुपट्टा जो सिक्वेंस वर्क वाला होता है उसके साथ आप इसे स्टाइल कर सकते हो। और पहनने के बाद सीरियसली इसका लुक बहुत ज्यादा सुंदर आएगा। काफी अच्छा डार्क कलर है, काफी वाइब्रेंट कलर है, और फेस्टिवल के अकॉर्डिंग तो परफेक्ट है। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है। इसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग साइज देख लेना। मिंत्रा पे सभी के साइज चार्ट दिए हुए होते हैं, प्रॉपर जो भी आपको लेना हो। वैसे मेरे स्मॉल आ जाता है लेकिन मैंने मीडियम लिया है क्योंकि थोड़ा सा लूज ज्यादा अच्छा लगता है पार्टीवेयर कुर्ती में, नहीं तो फिर अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है। और अब जो नेक्स्ट और लास्ट में कुर्ती आपके साथ शेयर करूंगी वो भी मैंने ना जो सी ग्रीन कलर है ना उसमें मैंने बाय की है। मे बी मुझे याद नहीं आ रहा इसमें कलर ऑप्शन अवेलेबल थे या नहीं। सभी की पिक्चर मैं आपको साइड में दे दूंगी। बाकी अगर आपको कोई और कलर पसंद है तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। ये भी है ना एक टाई एंड डाई एंड लहरिया मिक्स में कुर्ती है जिससे आप है ना अभी रक्षाबंधन पे और तीज पे स्टाइल कर सकते हो। तो ये एक इस तरीके की कुर्ती है। और अगर मैं फैब्रिक की बात करती हूँ ना तो कॉटन रेयॉन मिक्स फैब्रिक है ये। साथ में ना अगर आपको कोई हैवी कुर्ती चाहिए जिसमें यहाँ पे नेकलाइन पे काफी अच्छा वर्क हो तो उस तरीके से प्रॉपर जरी वर्क दिया हुआ है। और पूरी कुर्ती में आप देखोगे ना गोल्डन फॉइल प्रिंट है ये, जो शाइन कर रहा है ना ये कॉपर गोल्डन फॉइल प्रिंट दिया हुआ है। तो ये इस तरीके की आपको स्ट्रेट पैटर्न में कुर्ती देखने को मिल जाएगी। ये भी मुझे काफी ज्यादा डिफरेंट लग रही थी और रक्षाबंधन या फिर तीज पे स्टाइल करने के पर्पज से काफी अच्छी है। कलर मुझे ये ज्यादा पसंद आ रहा था। मे बी शायद ना मुझे याद नहीं है पर इसमें रेड और मरून कलर जो काइंड ऑफ ब्लू भी है अवेलेबल। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी मुझे ये कलर, ये डिजाइन बहुत अच्छा लगा है। कुर्ती की क्वालिटी बहुत अच्छी है, फैब्रिक क्वालिटी अच्छी है। साथ में आपको ना एक्स्ट्रा इसमें बटन्स भी दिए हुए हैं, कोई बटन यहाँ पे टूट जाए क्योंकि ये फंक्शनेबल तो नहीं है। ये सारे बटन जो दिए हुए हैं ऐसे ही शो के लिए लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी टूट जाए तो आप लगा सकते हो। और हाँ, साथ में ना ये आप देखोगे ना इसमें मिरर्स लगाए हुए हैं जो कि फॉइल मिरर इसमें दिए हुए हैं, रियल मिरर नहीं है। तो ये है जो नेक्स्ट कुर्ती मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इसे भी आप अपकमिंग फेस्टिवल में स्टाइल कर सकते हो। तो गाइस, ये था आज का मेरा कुर्ती कलेक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से बाय कर लेना। अभी अच्छी खासी सेल भी चल रही है तो काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। एंड गाइस, मामाअर्थ की जितने भी फाउंडेशन मैंने शेयर किया है, साथ में जो प्राइमर शेयर किया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और कूपन कोड यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है विद बेल आइकन। आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएंगे एंड आपसे मेरी वीडियो मिस नहीं होगी। साथ में आज के कलेक्शन में से आपकी फेवरेट कुर्ती कौन सी है कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।